जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने जुबली पार्क घूमने आने वाले छात्र छात्राओं एवं प्रेमी युगलों के साथ मारपीट कर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर आदित्य पुल पार ले जाकर उनका मोबाइल और पर्स छीनकर लड़कों से फोन पर पैसा ट्रांसफर कर छोड़ देने के मामले का खुलासा किया है। इस खुलासे में पुलिस ने बताया कि कुल 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनमें 3 नाबालिग हैं, सभी सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र के रहने वाले। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी SP ऋषभ गर्ग ने दी है। विगत कुछ दिनों से बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी किस्म के लड़के जो है वहाँ पे घूमने आने वाले लड़के लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत चिंता विंते की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके संदर्भ में हम लोगों के द्वारा एक कांड भी दर्ज किया गया था और उसी के अनुसंधान के क्रम में एक टीम का गठन किया गया जिसने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। और इसमें जब घटना का उद्भेदन हुआ तो पता लगा कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं, उसको परंतु रिपोर्ट पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि इसमें हम लोगों को जो बरामदगी हुई है वो जो केस हुआ था उससे अधिक की बरामदगी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई से जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना होती तो हम पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग फौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर इंसिडेंट्स आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस सूरत में कई बार ये क्राइम जो है कंटिन्यूड हो जाता है। तो बाकी जो टीम ने काम किया उसने सभी को बधाई। इनका फोकस रहता था जो लड़के लड़कियाँ, जैसे अगर उनको दिख रहा है कि अकेले हैं, कम उम्र के लड़के हैं, तो उनको वो लोग टारगेट करते थे। उन लोगों से GPay के माध्यम से लोगों ने पैसे भी ट्रांसफ़र कराए थे, जिसके कारण कि हम लोग टोटली इस्टेब्लिश कर पाए, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके उपरांत हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। कहाँ पे हैं ये सारे? ये सभी लड़के जो है RIT थाना क्षेत्र के जिला सरायकेला खरसावां के हैं। उनके पास से ज़्यादातर तो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो इन लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन कराए थे, कैश जो गूगल पे के माध्यम से इन्होंने ट्रांजेक्शन कराए थे वो भी हम लोगों को उसमें मिला है। अभी एग्जैक्ट संख्या तो हम लोग नहीं बता सकते, बट हम लोगों ने 3 FIR रजिस्टर किए हैं इन लोगों के ऊपर और उसके अलावा जो हम लोगों को मोबाइल्स मिले हैं इनका बैक ट्रैकिंग करवाएंगे तो हम लोग को पता लगेगा कि वो किसके मोबाइल्स हैं, तो वो लोग भी फिर बाद में अपनी घटना और मोबाइल अपना क्लियर कि जो हम लोग को कांड में पता लगा है उसमें कितना 10,000 रुपये है, करीब लगभग 10,000 रुपये का इन लोगों ने कराया है। अभी जिन लोगों के मोबाइल्स हैं क्योंकि अभी अनक्लेम्ड है, पता लगेगा तो हो सकता है उनसे भी कुछ पैसे इन लोगों ने लिए हो तो बाद में पता चलेगा। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू।